Hello everyone, welcome to the YouTube channel Elva, Easy Learning with Ankush. In this video, we are going to discuss the vocabulary used in the articles of the Hindu newspaper editorial of date 7th of August 2020. So let's start. Before we start, here's a list of reasons or facts why someone should have a good vocabulary or why to watch this video before starting the articles or discussing the vocabulary here is a question for you what are the impacts of covid-19 pandemic on poor wage workers lower middle class people and what measures can be taken by government for them please write the answer in comment box using the words we are going to discuss in the articles of today's vocabulary so let's start with first article first article is groundbreaking ग्राउंड ब्रेकिंग जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि अब हमने राम मंदिर तो बना लिया है अयोध्या में यानी हिंदुइज्म एक कदम आगे बढ़ा है तो क्या इससे हम कुछ सीख सकेंगे कि आप कम्युनल स्ट्रगल्स को रोक पाएंगे यानी कि अब जब राम मंदिर बन चुका है तो हमें कुछ किस कुछ चीजों की शुरुआत करनी है और कुछ चीजों को खत्म भी करना है खत्म हुआ है हिंदूस का ह्यूमिलिएशन हिंदूस की जो निंदा होती थी जो शर्मिंदगी महसूस करते थे वो खत्म हुआ है और डोमिनेंस है उनका पॉलिटिक्स में तो ये आर्टिकल पूरा डोमिनेंस पर है पॉलिटिक्स पर है हिंदू मुस्लिम या कम्युनल राइट्स पर तो हम कैबिल डिस्कस करते हैं फर्स्ट वर्ड है कम्युनल कम्युनल का मतलब होता है जातिवाद की वजह से यानी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज अलग अलग जातियों की वजह से ये मोस्टली कंफ्लिक्स में यूज किया जाने वाला वर्ड है कम्युनल नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलियशन िएशन का मतलब होता है निंदा फील करना या शर्मिंदगी हम कह सकते हैं नोकेशन और ए सिचुएशन इन विच यू फील एम्बेस्ड और अशेम्ड शर्मिंदा होना या शर्मिंदगी फील करना नेक्स्ट वर्ड है असेंडेंसी एसेंडेंसी जिसका मतलब होता है गवर्निंग या डोमिनेशन यानी अब राज करना या डोमिनेट करना हावी पढ़ना या भारी पढ़ना नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइफ स्ट्राइफ का मतलब होता है विगोरस और बिटर कंफ्लिक्ट बहुत ही भयंकर और गलत झगड़े नेक्स्ट वर्ड है हेराल्ड हेराल्ड का मतलब टू बी ए साइन अबाउट टू हैपन ऐसा लगना या ऐसा प्रतीत होना कि कुछ होने वाला है जैसे कई बार सरकार की कोई गाइडलाइंस आती हैं, तो हमें लगता है कि अब लॉकडाउन लगने वाला है या नहीं लगने वाला है या खुलने वाला है तो ऐसा लगना जो होने वाला है उसे कह सकते हैं हेराल्ड नेक्स्ट वर्ड है टमल्टस टी एम यू एल -U -U कि डिसऑर्डरली और नॉइजी शोर, से भरा हुआ और अव्यवस्थित नेक्स्ट वर्ड है diatribe ट्राइब डाया ट्राइब का मतलब होता है किसी के बारे में बुरे शब्द बोलना एक स्पीच में गलत शब्दों का यूज करते हुए नेक्स्ट वर्ड है manifest मैनिफेस्ट का मतलब होता है बताना या दर्शाना या हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना नेक्स्ट वर्ड है ominously ominously का मतलब होता है या यानी डर से भरा हुआ या हम अशुभ भी कह सकते हैं या गलत कह सकते हैं नेक्स्ट वर्ड है रिलेट रिलेट का मतलब और इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि जो पुरानी बीती बातें थी जो पहले से धारणाएं बनी हुई थी उनसे विवाद करना है, उनको गलत ठहराना नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस एक्रीमोनियस का मतलब होता है एंग्री एंड बिटर गुस्से में या असंतुष्ट नेक्स्ट आर्टिकल है कार्टोग्राफिक चैलेंज इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारा इंडिया है वो हमारे तीनों पड़ोसी देशों की वजह से थोड़ा समस्याओं में है खासकर की लैंड की वजह से जैसे कि नेपाल बॉर्डर पर भी दिक्कतें चल रही हैं चाइना बॉर्डर पर दिक्कतें हैं और पाकिस्तान से भी दिक्कत अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप निकाला है जिसमें कश्मीर को उन्होंने कहा है जैसे हम कश्मीर को कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसी तरह से पाकिस्तान ने अब कश्मीर के लिए कहा है कि कश्मीर इज इंडिया इीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर को तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट वर्ड है एब्सर्डिटी एब्सर्डिटी का मतलब होता है स्टूपिड एंड अनिजनेबल यानी कि बेतुका और जिसका कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट वर्ड है एग्रेडाइजमेंट एग्रेडाइज का मतलब एग्रेडाइजमेंट का मतलब होता है साइज में बढ़ाना या वृद्धि करना एक्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज नेक्स्ट वर्ड है मेन्यूवर मेन्यूवर का मतलब होता है टू मैन्युपलेट और मैनेज विध स्कनेस किसी चीज़ को संभालना या नेगोशिएट करना या मेन्यूपलेट करना अपनी सूझबूझ और समझदारी से नेक्स्ट वर्ड है एडजुडिकेट एडजुडिकेट का मतलब फॉर्मल जजमेंट ऑन ए डिस्प्यूटेड मैटर किसी विवाद वाले मैटर पर एक फॉर्मल जजमेंट दे देना नेक्स्ट वर्ड है इम्पात से एम्पा से इम्पा का मतलब होता है नो एस्केप और डेडलॉक ऐसी सिचुएशन जहां से हम बच नहीं सकते जैसे कहते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई यानी जिस सिचुएशन से बचने का कोई रास्ता ना हो उसे हम कह सकते हैं इम्पा द नेक्स्ट आर्टिकल एन इनविजिबल ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है ऐसे आर्टिकल में बताया गया है कि जो लॉकडाउन है जो कोविड नाइनटीन है उसमें अब एक तो पहले से ही बहुत सारी समस्याएं चल रही थी इकोनॉमी की वजह से लेकिन अब बताया गया है कि जो पुअर और लेबर वर्कर्स हैं अब उनके लिए एक थोड़े से एक चम्मच खाने के लिए उन्हें न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है न जाने कितने लोग भूखे सो रहे हैं सरकार भी पहले बहुत सारे काम कर चुकी है अब धीरे धीरे वो काम भी थमने लगे हैं यानी अब उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है हम वो कैबिनेट डिस्कस करते हैं फर्स्ट वर्ड है रेंचिंग रेंचिंग का मतलब होता है जिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सैडनेस और डिस्ट्रेस या हार्ट ब्रेकिंग ऐसी चीजें या ऐसे कुछ कारण जिनकी वजह से दिल टूटे बहुत दुख हो काफी दुख पहुंचे इसे हम कह सकते हैं Next word है, eateries. Eateries उन जगहों को कहा जाता है जहां पर मोस्टली खाना बनता है रेस्टोरेंट और कैफे इस कॉन्टेक्स में इटरीज का यूज इसलिए किया गया क्योंकि कई सारे जो वेटर लोग हैं जो रेस्टोरेंट वगैरा में काम करते थे उनकी भी अब जो है जॉबलेस हो चुके हैं वो नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूशन डेस्टिट्यूशन जो लिया गया वो डेस्टिट्यूट वर्ड से लिया गया है और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीबी तो डेस्टिट्यूशन का मतलब यहां पर गरीबी नेक्स्ट वर्ड है पालपेबल पालपेबल का मतलब होता है प्लेनली सीन हर्ड और परसीव्ड जो बिल्कुल आसानी से देखा सुना और समझा जा सके नेक्स्ट वर्ड है लेट Late का मतलब है यहाँ पर एक डीप बाउल्ड लॉन्ग हैंडल स्पून या हम कह सकते हैं एक बड़ा चमचा बस उस एक बड़े के के होता है बर्निंग या जलने वाला झुलसाने वाला भी कह सकते हैं नेक्स्ट वर्ड है प्रिक्योरिटी प्रिक्योरिटी का मतलब द स्टेट ऑफ हैविंग इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट और इनकम एक ऐसी स्थिति में आ जाना कि न जा न कि जिस स्थिति में ना कोई सही इनकम है ना कोई सही जॉब है नेक्स्ट वर्ड है इंत्रांत. इंत्रांत उन लोगों को कहा जाता है जो किसी कॉम्पिटिशन या किसी चीज में नए लोग हैं जो पार्ट ले रहे हैं नेक्स्ट वर्ड है स्क्रेबलिंग स्क्रेबलिंग का मतलब होता है टू स्क्रेच और डिग फ्रेनेटिकली विथ हैंड्स ग्रैब और कलेक्ट समथिंग इन अ डिसऑर्डरली वे इस आर्टिकल में स्क्रेबलिंग का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि कई लोग जो बच्चे पहले जैसे स्कूल्स और प्री स्कूल में जिनकी भोजन की व्यवस्थाएं हो जाती थी लेकिन अब वो घरों से निकल जाते हैं और जहां भी सड़कों पर या उनके किनारे या कचरों के ढेर में जो कुछ उन्हें अच्छा मिलता है उसे इकट्ठा करते हैं और या तो बेचते हैं या उसी में से अपना फूड ढूंढते हैं नेक्स्ट वर्ड है रेपोर्चर रेपोर्चर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी स्पीच या पूरी प्रोसेडिंग मीटिंग्स की बात को मीडिया के सामने रखने या पब्लिक के सामने रखने के लिए आगे आते हैं जिसे हम प्रतिनिधि भी कह सकते हैं नेक्स्ट वर्ड है एनीहिलेशन एनीशन का मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन यानी पूरी तरह से तोड़ देना या विध्वंस कर देना नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबली ऑस्टेंसिबली का मतलब यहां पर एज और इज स्टेटेड टू बी ट्रू जिसे हम कह सकते हैं बिल्कुल जाहिर तौर पर या बिल्कुल हाँ ऐसा हो सकता है ऐसा लग रहा है जैसे वो बीमार लग रही थी इसलिए वो क्लास से चली गई तो ऐसा जाहिर हो रहा था कि वो बीमार है नेक्स्ट वर्ड है अटोनिंग atoning का मतलब होता है रिपेरेशन फॉर अ रॉंग और इंजरी या amends अपनी गलतियों में सुधार करना या पश्चाताप करने के लिए सुधार करना या गलतियां सुधारना इसे कह सकते हैं atoning नेक्स्ट वर्ड है scant scant s c a n t scant का मतलब है barely sufficient और inadequate यानी बहुत ही कम मात्रा में जो शायद ही पर्याप्त हो पाए नेक्स्ट वर्ड है stuttering स्टरिंग जो वर्ड है वो मेडिकली वर्ड स्टेमरिंग से रिलेटेड है जिसका मतलब होता है हकलाना या बोलते हुए बीच बीच में रुकना लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में स्टरिंग का मतलब होता है बार बार रुकना या धीरे धीरे चलना या स्लो चलना जिसमें इकोनॉमी की बात की गई है नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल ड्रिंक स्मॉल ड्रिंक का मतलब होता है धीरे धीरे जलना बर्निंग स्लोली नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंजेंट स्ट्रिंजेंट जिसका मतलब है स्ट्रिक्ट प्रिसाइज और एग्जेक्टिंग बहुत ही सख्त नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल कल्पेबल उन लोगों को कहा जा सकता है कल्पेबल उस चीज को कहा जा सकता है जिन पर इल्जाम लगाया जा सके कि हाँ आप दोषी हैं इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं जो अच्छे रिच लोग हैं जो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे तो उन्हें भी दोषी बताया गया उनकी गरीबी का नेक्स्ट वर्ड है डिसेंटर्स डिसेंटर्स यानी हम कह सकते हैं डिसग्रीमेंट नेक्स्ट आर्टिकल academic research is necessary but not sufficient vocabulary discuss karte hain first word hai pertinent pertinent yani ki relevant or applicable to a particular matter kisi ek matter se juda hua ya jisse uska kuch matlab hai next word derogatory Derogatory होता है किसी के लिए एक disrespectful attitude बताना यानी अगर कोई आता है हम उसके सम्मान की जगह उसे के असम्मान में कुछ कहते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे वो असम्मानित महसूस करता है Next word, granularity. Granularity मतलब है डाटा हमारे सामने है और उसमें कितने किस लेवल तक डिटेल दी गई है उसे हम कह सकते हैं ग्रेन्यूलैरिटी नेक्स्ट वर्ड है सेरेन्डिपिटी सेरेन्डिपिटी यानी कि द अक्यूरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट बाई चांस इन एप्पी और बेनिफिशियल वे कई बार ऐसी आ जाती है कि हमारे साथ कुछ अचानक ही अच्छा हो जाता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमें उसका पहले से अंदाजा भी नहीं था तो ऐसी सिचुएशंस में हम जिस वर्ड को यूज करते हैं वो है सेरेंडिपिटी नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोमेट्रिक बिब्लियोमेट्रिक का मतलब द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एनालाइज बुक्स आर्टिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस। ये एक स्टेटिस्टिकल मेथड है जिसमें किसी भी बुक हुई या आर्टिकल्स या अदर जो पब्लिकेशंस होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है इन मेथड्स से सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेकिन हाँ इन आर्टिकल्स में कई सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं तो प्लीज आप उन्हें भी देखिएगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो थैंक यू